still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी ठाकुर, होप वी आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, गर्मियों से हमारे बालों की कितनी बैंड बच जाती है ना, और क्या है कि हमारे बालों को हर चीज़ें देना बहुत ज़रूरी होता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड पसीने इतने होते हैं गर्मियों में कि आज बालों को वॉश करो, दूसरे दिन फिर वही हाल होता है, चिपचिपा हो जाता है, ऑयली फील होता है, भारीपन फील होता है, क्योंकि बालों में इतने पसीने होते हैं कि भारीपन शुरू हो जाता है। एंड बालों को हेयर स्पा देना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हर कोई चाहता है हेयर स्पा दे, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। पार्लर में आई थिंक मुझे जितना पता है 3000 से शुरू होता है हेयर स्पा, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। एंड घर पे भी क्रीम खरीदो और बिना ब्रांड का तो आप क्रीम खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि वो बालों को नुकसान पहुंचाएंगे। एंड जो ब्रांड वाला आप लेते हो, वो हर कोई, कुछ लोग हैं अफोर्ड कर पाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉरियल वगैरह का ले रहे हो आप तो 500-600 तक आता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वही स्पा अगर आपको घर पे कर लेना है कुछ ही पैसों में, आई थिंक 30-40 रुपए में अगर आप कर लेते हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। एंड सारी चीज़ें घर की होने वाली हैं, और आप इसको वीक में एक बार यूज़ करो या फिर 2 वीक में एक बार यूज़ करो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, जैसे नीचे से ड्राई हो रहे हैं एंड झड़ रहे हैं, तो आप वीक में 2 बार यूज करो। एंड ये स्पा जो है मैं बताने वाली हूँ आज, ये पूरा ओरिजिनल घर की चीज़ों से होने वाला है, जो हर कोई घर में जो भी चीज़ें मैं डालूंगी और बनाऊंगी, सारी घर की चीज़ें होंगी जो हर घर में पाई जाती हैं खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करके हेयर स्पा करना है। एंड मैं हर एक स्टेप बताऊंगी, जैसे पार्लर में हेयर स्पा होता है वैसा ही हेयर स्पा आपके घर पे होगा, बट सब घर की चीज़ों से होंगी एंड देसी होंगी, तो सारी चीज़ें भी देसी होंगी। एंड इसके अलावा मुझे और क्या कहना था, मैं कुछ भूल गई हूँ मुझे क्या कहना था, सॉरी। घर पे हम करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, पार्लर में आप जाते हो, सुबह में जाते हो, शाम हो जाता है, एक हेयर स्पा आप करवा के आते हो, लेकिन हम घर पे टाइम भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे एंड बालों को भी केमिकल लगने से बचाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा। एंड आप लोग शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी रेमेडी चाहिए बट उनको पता नहीं है, तो शायद मेरे थ्रू उनको पता चल जाए और आपके थ्रू उनको पता चल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एंड कमेंट भी करना है कि मेरा वीडियो कैसा लगा आज का। एंड गाइस, आप लोग लाइक करते हो तो आप लोगों का पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, लेकिन आप लोग लाइक करते हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं एंड और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए वो आप मिस ना कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट स्टेप होने वाला है हेयर ऑयलिंग से। जाहिर सी बात है, पहले ऑयलिंग करना पड़ेगा हेयर की। तो ऑयलिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बाल की हालत दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं अभी कैसा हो रहा है। तो अभी हो रही है, मेरे बालों की हालत बहुत बुरी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बालों के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, और मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ बिल्कुल। तो आज मैं करने वाली थी है इस बार, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, और शायद मेरे तरफ बहुत सारे लोग होंगे जो पार्लर नहीं जा रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा के लिए हमें चाहिए। अभी मैं यूज कर रही हूँ कैस्टर ऑयल, और कुछ लोग सोचेंगे कि कैस्टर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ी यूज़ होता है, तो जी हाँ गाइस, मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी, क्योंकि ये हर घर में होता है, जिनके पास और सारी चीज़ें नहीं और सारी तेल नहीं है
मतलब ये तो तेल हर घर में पाया जाता होगा, हर घर में होता होगा खाना बनाने के लिए या फिर छोटे बच्चे को लगाने के लिए, क्योंकि ये सरसों का तेल है। बहुत पुराने जमाने से इसको यूज किया जा रहा है, बहुत पुराने युगों से मतलब सरसों के तेल को यूज किया जा रहा है। और ये आयुर्वेद में भी यूज होता है, दवाई बनाने में भी यूज होता है, साथ ही साथ इसे खाना बनाने में टेस्टी खाना बनता है सरसों के तेल से। एंड खाना बनाने में यूज करने का सबसे बेस्ट है कि ये डाइजेस्ट खाना को बहुत जल्दी करता है, ये बहुत हल्का होता है और हमारे खाना को बहुत जल्दी पचाता है। तो सरसों के तेल जैसे इन सब चीज़ों के लिए इतना उपयोगी है, तो इसी प्रकार से ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हमारे बालों को बहुत सारे फायदे होते हैं, सरसों के तेल को बाल में यूज करने के लिए बालों में लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे बालों को झड़ता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उनके बालों को झड़ने से रोकता है, क्योंकि सरसों के तेल में होता है कैल्शियम और हमारे बालों को चाहिए कैल्शियम, तो वो सरसों के तेल में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। तो अगर जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वो सरसों के तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लें, मतलब गर्म डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, पहले बाउल में पानी लें उसको गर्म करें, फिर देन उसमें कटोरी रख के उसमें तेल रखें, फिर वो गर्म हो जाता है तो उसको उंगली की मदद से लगाना है। ये नाखून जो होते हैं, कितने लोग होते हैं नाखून से ऐसे करते हैं, नहीं, ये जो होता है ना इनसे बालों पर मसाज करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तेल ले लेती हूँ और लगाते लगाते मैं आगे का बताऊँगी कि इससे। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ऑयल, ज़्यादा नहीं लेना है, गर्मी का दिन है तो इतना लेना है कि बालों में स्कैल्प में मसाज हो जाए। और ये देखिए, तो मैं यहाँ पे तेल ले ली हूँ। और इसको यूज़ कैसे करना है, आपको ऐसे उंगलियों के टिप पे ऐसे लगाना है, देन ऐसे स्कैल्प पे मसाज करेंगे। तो गाइस मैं बता रही थी कि सरसों के तेल के फ़ायदे, तो इस तेल का ये फ़ायदा है कि ये बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को चाहिए कैल्शियम जो ये इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे बालों में कैल्शियम देता है जिससे हमारे बाल झड़ने से रुक जाते हैं। दूसरा है कि हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाता है सरसों का तेल। अपनी माँ दादी, हमारी माँ दादी इन सब तेलों को ही यूज की हैं पहले, हम लोग आगे चल के बहुत ज़्यादा फैशन में आ गए हैं तो सरसों के तेल को नहीं लगाते, लेकिन नहीं, सरसों का तेल बालों की लंबाई के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, ओमेगा 3, साथ में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है गाइस। तो इसके लिए भी आपको चाहिए कि वही गर्म करके ऑयल को लगाएं। अभी फिलहाल मैं ऐसे नॉर्मल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे करना है हेयर स्पा, तो मैं बस बालों को तेल लगा के मसाज करूँगी, देन मैं जब बालों को स्टीम दूंगी तब ऑलरेडी मेरा ये ऑयल है जो गर्म हो जाएगा और हमारे स्कैल्प के अंदर आसानी से अंदर जाएगा। तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। अगर जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं गाइस, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है सरसों का तेल। वो लोहे की कढ़ाई लेंगे, लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल को गर्म कर लेना है और उसमें त्रिफला का चूर्ण डालना है गाइस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और उसको ठंडा करके एक शीशी में भर के रख लें, उसको वीक में 2 से 3 बार लगाएं। बहुत तो यहाँ पे हमारे बालों में बहुत अच्छे से ऑयल लग चुका है और आप देख सकते हो, अब हम इसका बन बना लेंगे एंड पूरे 30 मिनट के लिए हम बालों में ऐसे ही ऑयल को रखेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको 30 मिनट के बाद। ओके गाइस, तो ऑयल लगे हुए हमें हो गया है 30 मिनट, अब हम अपने बालों को देंगे स्टीम। तो स्टीम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं घर पे पानी को बाउल में गर्म करूँगी और उसमें ये कॉटन का कपड़ा गीला करके और इससे स्टीम दूंगी, क्योंकि ये टॉयल क्या होता है मोटा हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है, भारी लगता है, तो मैं इसको गर्म पानी में डुबोंगी और इससे अपने बालों को स्टीम दूंगी। ओके, तो देसी स्टीमर तैयार है हमारा, ठीक है, तो अब इसे लगा के हम पूरे 5 मिनट के लिए अपने बालों में रखेंगे जिससे अच्छे से हमारे हेयर को स्टीम मिले। एंड गाइस, इतना गर्म होना चाहिए जो आप बर्दाश्त कर सको, जितना आप सह सको उतना गर्म होना चाहिए। तो फटाक से इसको लगा के, और इसको दोबारा भी करना है 5 मिनट के बाद आपको दोबारा करना है और फिर 5 मिनट के लिए रखना है। ओके, तो मैं अभी तो एक बार ही करके दिखाऊंगी कैमरा में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो मैं एक बार ही करके तो यहाँ पे सेकंड बार ही मैं लगा ली हूँ, और जब तक 5 मिनट होता है तब तक हम बना लेते हैं पैक, स्पा पैक। तो चलिए आपको दिखाते हैं पैक में हमें क्या क्या चाहिए।
स्पा पैक बनाने के लिए हमें चाहिए दही। दही अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है गाइस। दही जितना सॉफ्ट होता है ना गाइस, उतना ही सॉफ्ट एंड सिल्की हमारे बालों को बना देता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है और ये हमारे बालों के डैंड्रफ के लिए तो रामबाण इलाज है दही का। एंड उसके बाद चाहिए लेमन, हाफ लेमन चाहिए, एंड चाहिए मुल्तानी मिट। तो अब हम इसमें लेमन मिक्स करेंगे। लेमन डेड स्किन को निकालता है, जैसे हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको निकालता है। इसके अलावा हमारे बालों में जो पसीने होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होता है, अनवांटेड खुजली वगैरह, इचिंग को कम करता है, इसके लिए हम लेमन को मिलाएंगे। हाफ लेमन काफ़ी है। तो अब हम यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच के करीब मिलाएंगे, और आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। जिनके छोटे हैं वो 1 चम्मच ले लें, जिनके मेरे से भी ज़्यादा बाल लंबे हैं वो उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं 3 चम्मच 4 चम्मच, जिनके मोटे हैं वो उससे भी ज़्यादा ले लें, मतलब अपने हेयर के अकॉर्डिंग लेना है। एंड गाइस, मुल्तानी मिट्टी हमारे बालों को स्ट्रेट करता है नेचुरल तरीके से, एंड हमारे बालों में बहुत अच्छी वाली शाइनिंग लाता है। एंड गाइस, जिनको स्ट्रेट बात पसंद है ना, वो वीक में 2 से 3 बार इसका पैक लगाएँ, केवल मुल्तानी मिट्टी का गुलाब जल में मिला के पैक लगाएँ, बहुत जल्दी उनका बाल स्ट्रेट हो जाएगा। एंड पुराने ज़माने में भी, अभी भी गाँव में भी औरतें मिट्टियों से बाल धोती हैं, अगर आपको पता हो तो, सबको पता है। तो यहाँ पे फटाक से हम मिक्स कर लेंगे। एंड लास्ट हमें चाहिए हनी। तो हनी यहाँ पे मैं डाल ली हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। एंड गाइस, सबको पता है कि हनी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों के ब्रेकेज की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा हमारे बाल जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं ना, उनके बालों से ड्राइनेस को ख़त्म करके सिल्की एंड साइडी बनाता है। तो अब हमारा पैक रेडी हो चुका है। 5 मिनट हो गया है और अब हम करेंगे हेयर वॉश। तो हेयर वॉश आपको नॉर्मल जो भी आपके पास शैम्पू हो उससे आपको वॉश कर लेना है, एंड कंडीशनर नहीं लगाना है, क्योंकि उसके बाद हम लगाएंगे हेयर मास्क लगाएंगे। तो चलिए बालों को वॉश करके आते हैं। यहाँ पे हेयर वॉश करके आ गई हूँ और अब इसे सुखा लेना है, मतलब सुखाना नहीं है, बस एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको हटा देना है। तो मैं इसको हटाती हूँ। तो यहाँ पे हम मास्क लगाना शुरू करते हैं। एंड गाइस, टिप के हेल्प से मास्क को लगाना है, नाखून से बिल भी नहीं लगाना है, आपका जो उंगली का टिप होता है उससे हल्के हाथों से लगाना है और मसाज करते हुए लगाना है मास्क को, ताकि वो अंदर तक जाए और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे बालों को बूस्टअप मिलेगा। तो खूब अच्छे से मसाज कर कर के लगाना है, ये नहीं ऊपर ऊपर लगा के छोड़ दिए, नहीं, मास्क को लगाते जाना है एंड मसाज भी करना है, जैसे मैं कर रही हूँ बार बार। तो फटाफट लगा लेते हैं मास्क। यहाँ पे मेरे पूरे बालों में मास्क लग चुका है और मैं पीछे जो लंबाई है बालों की उसमें भी मैं अच्छे से मास्क को लगा ली हूँ, और इसको एक बार बन बनाने से पहले मैं सब में एक बार और हाथों को मिला लूँगी, ताकि जहाँ पे बाकी हो वहाँ पे हो जाए, और उसके बाद मैं फटाक से बन बना लूँगी। एंड इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है गाइस, ओनली 20 मिनट के करीब रखना है, और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या है ना, पूरा हम देसी कर रहे हैं तो हमारे को देसी ये कैप भी चाहिए, सावर कैप। तो यहाँ पे मैं सब्जी की बैग को लगा रही हूँ, वेजिटेबल बैग। तो आप भी ऐसे ही लगा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सावर कैप नहीं होता है, तो सब कुछ देसी है तो ये भी देसी होना चाहिए। तो इसको लगा के रखना है पूरे 20 मिनट तक, एंड 20 मिनट के बाद शैम्पू कंडीशनर सब कर लेना है। तो मैं वो सब करने के बाद सीधे बाल सुखा के आप लोगों को मिलूंगी कि मेरे बाल का हालत अब कैसे।
still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एंड गाइस, हेयर स्पा मैंने किया था संडे को, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैं भी ये सारी जो भी चीज़ें करनी होती है हेयर के लिए, फेस के लिए, जो भी चीज़ें करनी होती है, मैं संडे को या फिर टाइम निकाल के करती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए टाइम होनी चाहिए। तो मैंने संडे को किया था और आज आई थिंक पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता आज कौन से दिन, मैं शायद बुधवार है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज भी मेरे बालों में कितना थिकनेस आ गया है, कितना वॉल्यूम आ गया है और कितना शाइन मार रहा है। और हेयर स्पा मैं करने वाली नहीं थी, लेकिन करने का भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड का मैसेज आया था कि आप वो हेयर स्टाइल शेयर करो, हेयर स्टाइल बताओ। तो हेयर स्टाइल करने से पहले हमारे बालों को मजबूत रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक तो हेयर स्टाइल शेयर करोगे नहीं, तीन से चार हेयर स्टाइल शेयर करोगे तो उतने हेयर स्टाइल करने में आपके बालों की बैंड बच जाती है। तो पहले बालों को प्रिपेयर करना होता है कि हाँ वो उतना कुछ सह सके। तो मेरा मेन हेयर स्पा करने का यही कारण था, और लगा कि जब हेयर स्पा कर ही रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है और आप बाहर जा भी नहीं सकते हो यार। लॉकडाउन में कहाँ जाओगे, घर पे करो और देसी तरीके से करो, क्या ज़रूरत है पैसों को फालतू में इधर उधर वेस्ट करना, उस पैसे को कहीं और लगाओ, है ना। तो आज मेरा बाल बहुत सही हो गया है, तो अब मैं बहुत जल्द वो भी वीडियो लाऊंगी हेयर स्टाइल पे, तो उनके भी विश पूरा करना है मुझे। और बहुत दिन हो गया उनको कहे हुए, लेकिन मैं बहुत लेट कर चुकी हूँ उसके लिए सॉरी। मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ, तो क्या है ना टाइम बहुत कम होता है, करने को बहुत सारी चीज़ें होती है, नहीं हो पाता है। अपन सोचते हैं कि ये करेंगे वाह करेंगे, आज ये करना है, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारे घर की भी एंड ये सब करने की भी। तो बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगी, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।